तो बच्चों, आप क्लास 9th में आ गए, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा। तो बच्चों, आपने क्लास 8 तक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन तो किया ही था, तो अब हम क्लास 9th में भी सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आपने अभी तक क्लास 8 में सामाजिक विज्ञान की केवल एक पुस्तक पढ़ी थी, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तक पढ़नी होगी। अब 4 पुस्तक का नाम सुनकर डर मत जाना, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अध्ययन की सुविधा के लिए आपकी एक ही पुस्तक को 4 भागों में बांटा है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनमें से भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान का अध्ययन आपने क्लास 8 तक किया ही है। आपके लिए नई पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र की, जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र के आपके 4 लेसन्स हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनको कि हम हमारे दैनिक क्रियाकलाप से जोड़कर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप अर्थशास्त्र को सीख भी जाएंगे। तो शुरू करें हम अर्थशास्त्र का परिचय, और इसमें हम पहला लेसन शुरू करेंगे, जिसका कि नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव कहानी, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हम हिंदी पढ़ रहे हों, लेकिन नहीं बच्चों, ये है अर्थशास्त्र। और इसमें आप कहानी के माध्यम से जानेंगे कि गांव में किस प्रकार से उत्पादन होता है, और इसमें हम सबसे पहले जानते हैं पालमपुर का परिचय। तो आइए देखते हैं बच्चों, पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। अब आप सोचेंगे, हम काल्पनिक गाँव का अध्ययन क्यों करें? वो इसलिए ताकि कि इस काल्पनिक गांव के माध्यम से आप देश के सभी गांवों के बारे में जान पाएं कि गांव किस प्रकार की सुविधाओं से भरपूर होते हैं और गांव में किस प्रकार की उत्पादन क्रियाएं होती हैं। तो ये जो पालमपुर गांव है, वो एक बड़ा गांव रायगंज उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात जो भी यहाँ उत्पादन होता है, वो उस बड़े गाँव तक पहुँचाया जाता है सड़कों के माध्यम से, और ये सड़क जो है वो पालमपुर को अन्य गांवों से भी जोड़ती है। और इन सड़कों पर बहुत से परिवहन के साधन, जिसमें भी की आते हैं जीप, ट्रक और बस आदि चलते हैं, बैलगाड़ियां ये भी यहां पर चलती हैं। इन सड़कों से पालमपुर गांव की दूसरे गांवों से कनेक्टिविटी बनी रहती है। बच्चों, पालमपुर में कुल 450 परिवार रहते हैं, जो कि सभी जातियों के हैं, लेकिन यहां पर 80 परिवार उच्च जाति के हैं, जो कि अधिकतर भूमि के मालिक हैं, अर्थात उनके पास जमीन है और वो रहते हैं ईंट और सीमेंट के मकानों में। यहां पर लगभग एक तिहाई लोग, अर्थात जनसंख्या का एक तिहाई भाग अनुसूचित जाति अर्थात दलित परिवार है, जो कि गांव के एक कोने में रहता है और उनके मकान बने हुए हैं घास फूस के। बच्चों, जो पालमपुर है वहां पर बिजली भी है, और बिजली का जो परिणाम है वो पालमपुर को बहुत अच्छे से मिला है, उसका बहुत अधिक लाभ पालमपुर ने पाया है। वो क्या कि पालमपुर में इसकी वजह से सिंचाई की सुविधा है, और यहाँ पर नलकूपों के द्वारा गांव के खेतों में सिंचाई की जाती है। बच्चों, जो पालमपुर है वहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो खेती की क्रिया करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग 75% लोग अपना जीविकोपार्जन खेती के माध्यम से करते हैं, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो अन्य क्रियाएं, जिसमें कि क्या क्या आती हैं, जिसमें आती हैं दुकानदारी, परिवहन, डेयरी और छोटे मोटे उद्योग, इनमें यहाँ के लोग संलग्न हैं। बच्चों, जो पालमपुर है वहाँ पर 2 तो प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे कि आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, और एक यहाँ पर हाई स्कूल है, और इसके अलावा यहाँ पर एक राजकीय अस्पताल है, और दूसरा यहाँ पर एक निजी औषधालय भी है। तो अभी हमने क्या जाना, हमने जाना पालमपुर की वस्तु स्थिति और यहाँ की सुविधाओं के बारे में। तो हमने क्या वर्णन किया कि पालमपुर अधिकतर सभी सुविधाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ बिजली भी है, यहाँ सिंचाई की सुविधा भी है, परिवहन की सुविधा भी है, स्कूल्स भी हैं, तो हॉस्पिटल्स भी हैं। अब आपको क्या करना है, आप जिस भी गांव या शहर में रहते हैं तो वहाँ की सुविधाओं के बारे में सोचें, और उसकी तुलना किससे करेंगे, पालमपुर गाँव से।
तभी तो आप उत्पादन के बारे में जान पाएंगे कि गांवों में उत्पादन किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, अभी जो मैंने सारी जो आपको बात बताई है वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आप बोलेंगे मैम ने सब कुछ बता दिया तो लिखने की क्या ज़रूरत है। ये इसलिए लिखा है ताकि आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें और जब भी आपको पढ़ना हो तो आप इसमें से पढ़ सकें और इसको अच्छे से समझ सकें, ताकि के एग्ज़ाम्स में यदि क्वेश्चन बन के आए कि पालमपुर कौन से गाँव से जुड़ा हुआ है तो आप लिख पाएंगे ना रायगंज से। कितने किलोमीटर दूर? 3 किलोमीटर दूर। ठीक है बच्चों, तो हम इसे देख लें एक बार। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और बड़ा गांव कौन सा है? रायगंज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पालमपुर आसपास के गांवों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर की सड़कों पर कई तरह के परिवहन के साधन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर आदि देखे जा सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमने जान लिया कि पालमपुर है वो परिवहन के साधनों में भी क्या है, विकसित है। इसके बाद पालमपुर में कितने परिवार हैं? 450 परिवार जो कि विभिन्न जातियों के हैं। उच्च जाति के 80 परिवार जो कि ईंट और सीमेंट के मकानों में रहते हैं। दलित या अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 1/3। और ये किस में रहते हैं? मिट्टी और फूस के घरों में रहते हैं। इसके बाद है पालमपुर में क्या है? बिजली की सुविधा, जैसे कि हमने बताया खेतों में नलकूप और बिजली से ही चलते हैं, जिससे पूरे गांव के खेत हैं उनमें सिंचाई होती है। पालमपुर में जो खेती है वो यहाँ के मुख्य क्रियाएं हैं। इसके अलावा अन्य क्रियाएं क्या हैं? डेयरी, परिवहन, निर्माण, वो सब छोटे स्तर पर किए जाते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है यहाँ के लोगों का? खेती है। इसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 हाई स्कूल है, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 1 औषधालय भी है। तो बच्चों, हम ये जो पालमपुर की सुविधाओं के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जानेंगे कि पालमपुर के माध्यम से हमारे जो देश में और गांव हैं वहां पर किस प्रकार की स्थिति होती है, जो और गांव हैं उनमें किस प्रकार से उत्पादन की क्रियाएं संचालित की जाती हैं। तो बच्चों, हमारे जो देश के गांव हैं उनमें भी अधिकतर लोग किस में लगे हुए हैं? कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे कि पालमपुर में लगे हुए थे। और बाकी के लोग पालमपुर की तरह ही अन्य क्रियाओं में लगे हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं गैर कृषि कार्य, अर्थात कृषि के अलावा जो किया जाता है कार्य उन्हें ही बोलते हैं गैर कृषि क्रियाएं। और उनमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे छोटे मोटे उद्योग हो गए। ये हम गांवों की बात कर रहे हैं कि गांवों में किस प्रकार के उद्योगों में लोग लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि गांवों में क्या करते हैं, कुछ एक परिवहन के साधन चला लेते हैं, कुछ लोग दुकानदारी कर लेते हैं, कुछ घर में छोटे मोटे उद्योग चला लेते हैं। तो इसी प्रकार से पालमपुर के लोग भी इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। और इसी को यदि हम कनेक्ट करते हुए देखें तो हमारे देश के जो गांव के लोग हैं वो भी ये छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं। और ये व्यवसाय के लिए वो जो संसाधन हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कुछ संसाधन तो हमें मिलते हैं प्राकृतिक रूप से, जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वन, जल, खनिज, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्रकृति से ही तो मिलते हैं। भूमि भी हमें प्रकृति से ही मिलती है। इसके अलावा किसकी ज़रूरत होती है? मुद्रा की ज़रूरत होती है। कोई भी यदि व्यवसाय करेगा तो उसको मुद्रा की तो आवश्यकता होगी ना, क्योंकि मुद्रा से ही क्या होते हैं, सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। जैसे कि हमने छोटी सी बात कहें, यदि हम खेती ही कर रहे हैं तो खेती में हमें बीज डालने हैं तो बीज किससे मिलेंगे? मुद्रा से ही तो मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम मशीनरी कर रहे हैं तो मशीनरी भी कहाँ से आएगी? मुद्रा से ही तो आएगी। और इसके अलावा किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें खेती करने के लिए या अन्य उत्पादन करने के लिए? मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, औजार भी हो सकती हैं, भवन भी हो सकते हैं, मशीनरी भी हो सकती हैं। तो इन सब की हमें आवश्यकता होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ज़रूरत होती है उत्पादन के लिए मानव की, खुद की, क्योंकि यदि मानव ही नहीं होगा तो इन सब लोगों को मैनेज कौन करेगा? क्योंकि मानव ही तो उत्पादन करता है, चाहे वो खेती है चाहे वो अन्य व्यवसाय है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। जो हम आपको कहानी पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य आपको उत्पादन से संबंधित विचारों को बताना है। अब ये उत्पादन क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भारत के गांवों में जो खेती है वही उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। और खेती के अलावा क्या क्या किया जाता है? अन्य क्रियाएं जो की जाती हैं उसे हम बोलते हैं गैर कृषि क्रियाएं। याद रहेगा ना, जो खेती के अलावा की जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं गैर कृषि क्रियाएं।
ठीक है, जिसमें हमने भी बताया कि परिवहन के साधन, डेयरी, लघु उद्योग, ये सब किस में आते हैं? गैर कृषि में। जिनमें कि आते हैं विनिर्माण, देखो इसमें लिखा हुआ भी है परिवहन, दुकानदारी, गाँव में मिलते हैं ना, छोटे मोटे दुकानदार भी मिलते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है या कोई हमारी डेली जो नीड्स की चीज़ें हैं वो बेच रहा है, तो वो सभी किस में आएंगी? गैर कृषि क्रियाओं में। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की किसकी आवश्यकता होती है? संसाधनों की। हम जानते हैं कि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे संसाधन चाहिएंगे, जिनकी कि हमने बात भी की थी, जिनमें प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं तो मानवीय संसाधन भी आते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव जो निर्मित करता है वो वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा आदि। तो बच्चों ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या जाना? पालमपुर का परिचय, कि पालमपुर किस प्रकार का गांव है, यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं और उत्पादन की जो गतिविधि है वो कौन सी ज़्यादा की जाती है, कौन सी की जाती है? खेती की। और इसके अलावा गैर कृषि क्रियाएं भी हैं। हमने ये भी जाना कि यहाँ बिजली की सुविधा भी है तो सिंचाई की सुविधा भी है। तो ये था पालमपुर का परिचय, आपको याद रहेगा, आप ये सारी बातें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन, अर्थात ये जो उत्पादन की हमने बात छेड़ी दी है तो हम जाने तो सही उत्पादन किससे होता है, उत्पादन करने वाले साधन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे याद कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।